सैलाब मुतासरीन ने हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला से बात करते हुए कहा कि MNV ड्रेन पर 2 माह से बैठे हैं, हमारे गांव से अभी तक सैलाब का पानी निकाला नहीं गया। जूही रोड को कट देकर पानी को जल्द निकाल दिया जाए ताकि हम अपने गांव जाकर फसल काश्त करके पेट गुजर कर सकें। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। बहुत वायरस आ गया है, कोशिश तो कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन इतनी नहीं हो रही है जितनी उनकी ज़रूरत है। पानी को अभी वो ब्रिज नहीं लगाएंगे, जो ही जो रोड है तो पानी निकलेगा नहीं, पानी जो है रुकावट लगा हुआ है, कोई पुल नहीं है जो ये रोड को, तो पानी गुजर जो रहा है तो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते कर रहा है। आपके गांव में पानी अभी मौजूद? पानी सारे गांव डूबे हुए हैं, ये तुम्हारे सामने है, गांव तो दिखाया नहीं, सारे गांव डूबे हुए हैं। ये तो कोई बंदों पे बंदे बैठे हैं, ऐसे तो नहीं बैठे बच्चे लेके, लेकिन मजबूरी से बैठे हैं। अभी उनको ज़रूरतें हैं कुछ, अगर ऐसा तो नहीं है खाली दाल रोटी से पेट भरेगा, उसको बीमारी है कुछ है, अगर घरों में जाना है कुछ 4 रुपये की ज़रूरत है, वो तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करे उनके साथ, कुछ तावन करे हलप करे तो ये बंदे अपने घरों में भी जाए पानी निकाल दें। मेहरबानी होगी, हम अपील कर रहते हैं सब गवर्नमेंट वालों को भी, MNA DC को, तो बरए मेहरबानी जो ही जो रोड है उसको कोई ब्रिज लगा के पानी जल्दी निकालें तो अपने घरों पर बंदे। जी आपने सुनी यहाँ के सैलाब मुतासरीन की बातें, उनका कहना है कि उनके गांव में अभी तक पानी मौजूद है। इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि जोही रोड को कट लगाया जाए ताकि यहाँ इस साइड का पानी उस तरफ तेज़ी से जा सके, तो उनके इलाकों का पानी नीचे आ जाए तो वो अपने घरों पर जा सके। इनका कहना है कि यहाँ बहुत से लोग बीमार है तो यहाँ मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, तो यहाँ मेडिकल कैंप लगाई जाए। तो सैलाब की वजह से उनके कच्चे घर भी टूटकर ख़त्म हो गए हैं, तो उनका मुतालबा है कि उनको घर तमीर करने में मदद की जाए। मैं हूँ A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। शुक्रिया असगर खान मला।